नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक निर्माण की जिसने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके को बदल दिया, गंग नहर। और इसके पीछे जो महान शख्सियत थी वे थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने ये अद्भुत काम किया। महाराजा गंगा सिंह का जन्म 1880 में बीकानेर के राजघराने में हुआ था। वे अपने समय के सबसे दूरदर्शी और प्रगतिशील शासकों में से एक थे। बीकानेर एक सूखा और बंजर इलाका था जहां पानी की कमी हमेशा एक बड़ी समस्या रही है। महाराजा ने इसे समझा और बदलने के लिए बीड़ा उठाया। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा थार के रेगिस्तान में है जहां खेती करना लगभग असंभव था, लेकिन महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब की नदी में बहने वाले पानी को राजस्थान की धरती पर लाने का सपना देखा। ये सपना था गंग नहर का, जो सतलुज नदी से पानी लाकर राजस्थान के लोगों को जीवन दान देगा। 1907 में महाराजा गंगा सिंह ने अंग्रेजी सरकार से इसे नहर की परियोजना को शुरू की और उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को इस योजना की असहमति समझाई और अंत में 1921 में यह परियोजना मंजूर हुई। इसके निर्माण में महाराजा ने व्यक्तिगत रूप से रुचि ली और इसका निरीक्षण करते रहे। गंग नहर का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1927 को पूरा हुआ। यह लगभग 143 किलोमीटर लंबी थी, जो सतलुज नदी से पानी लाकर बीकानेर तक पहुंचाती थी। निर्माण के दौरान कई तकनीक चुनौतियां आई, लेकिन महाराजा की दूरदर्शिता और संकल्प ने इसे सभी बाधाओं को पार कर दिया। गंग नहर के ने राजस्थान के लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी। जिसे धरती पर पानी की एक बूंद के लिए संघर्ष होता था, वहां अब हरियाली और खुशहाली थी। खेतीबाड़ी में जबरदस्त उन्नति हुई और लोगों का जीवन स्तर में सुधार हुआ। इसे राजस्थान के है। आज भी महाराजा गंगा सिंह को उनकी इस महान उपलब्धि के लिए याद किया जाता है। उनका यह योगदान न केवल बीकानेर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए ऐतिहासिक है। वे सही मायनों में अपने लोगों के उद्धारक थे। तो दोस्तों, ये कहानी महाराजा गंगा सिंह और गंग नहर की, जो आज भी राजस्थान के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।